नमस्कार, बॉलीवुड मसाला में आप सभी का स्वागत है। मैं मीनू सभरवार एक बार फिर लेकर आई हूँ मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं बॉलीवुड मसाला। 5 साल के बेटे को याद कर बिग बॉस के घर में मुनव्वर फारूकी के छलके आंसू। स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी इन दिनों रियलिटी शो बिग बॉस 17 को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। फारूकी कंगना रनौत के लोकअप शो के विनर भी रह चुके हैं। वहीं हाल ही में शो के लेटेस्ट एपिसोड में कॉमेडियन अपने 5 साल के बेटे को याद कर इमोशनल हो गए। फारूकी अपने साथी कंटेस्टेंट नील भट्ट को अपने बेटे और एक्स वाइफ के बारे में बात करते दिखे। मुनव्वर नील भट्ट को बताते हैं कि मेरी एक्स वाइफ अब शादीशुदा है और मेरे बेटे की कस्टडी मेरे पास है। वह 5 साल का है। जब 6 महीने पहले मुझे उसकी कस्टडी मिलने के बाद वह मेरे पास वापस आया तो उस दौरान मुझे एहसास हुआ कि मैं क्या खो गया था। फाइनली अब वह मेरे पास है। पिछले 3 से 4 महीनों में मैं उनसे काफी अटैच हो गया हूँ। बिग बॉस के घर में पति पत्नी की टूटी बॉन्डिंग। गुस्से में विक्की जैन ने अंकिता को लताड़ा, कहा मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। टीवी का पॉपुलर शो बिग बॉस 17 का आगाज हो चुका है, जिसमें पवित्र रिश्ता फेम एक्ट्रेस अंकिता लोखांडे शो में अपने पति विक्की जैन के साथ नजर आ रही है। दोनों कपल सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में छाए हुए हैं, लेकिन अब दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते एपिसोड में अंकिता और विक्की के बीच गेम के डिस्कस को लेकर बहस हो गयी, जिसमे अंकिता ने अपने पति से कहा वे उन्हें गेम में सपोर्ट नहीं कर रहे, जिससे वो खुद को अकेला महसूस कर रही है। जवाब में विक्की जैन ने गुस्से में अंकिता को कह दिया कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं और मैं अपने मुताबिक गेम खेलूंगा, जिसके बाद एक्ट्रेस रोती हुई नजर आई। एक्ट्रेस कंगना रनौत दिल्ली के लवकुश रामलीला मैदान में करेंगी रावण दहन, तोड़ेंगी 50 साल की परंपरा। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। इस बीच एक्ट्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो चर्चाओं में आ गई है। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत 24 अक्टूबर यानी आज दिल्ली के प्रसिद्ध लवकुश रामलीला मैदान में रावण दहन करेंगी। ये जानकारी खुद एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए साझा की है। एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा की। वीडियो में वह बिना मेकअप के नजर आ रही है, साथ ही ग्रीन और व्हाइट ड्रेस में कंगना बेहद प्यारी लग रही है। उन्होंने वीडियो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, हर साल लाल किले पर आयोजित रावण दहन कार्यक्रम में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई महिला रावण का पुतला दहन करेगी। जय श्री राम। बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली दिव्या खोसला की फिल्म यारिया 2, कमाई के मामले में मेकर्स को बड़ा झटका। दिव्या खोसला कुमारी की फिल्म यारिया 2 पिछले हफ्ते सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी। यारिया 2 में दिव्या के अलावा पर्ल वी पुरी और मिजार जाफीर अहम रोल में है। फिल्म यारिया का पहला पोस्ट हिट होने के बाद इसके मेकर्स ने फिल्म का सेकंड पार्ट बनाने का भी फैसला किया था, लेकिन फिल्म मेकर को उनका ये फैसला फायदे की जगह घाटे का सौदा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। बता दें फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई है, साथ ही फिल्म अपना बजट वसूलने में भी नाकामयाब होती हुई नजर आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यारिया 2 ने 4 दिन सिर्फ 25 लाख का कलेक्शन किया, जिसके बाद टोटल कलेक्शन 1,85,00,000 हो गया है। यारिया 2 ने पहले दिन 50 लाख, दूसरे दिन 55 लाख और वहीं तीसरे दिन भी 55 लाख का कलेक्शन किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।